डीआईजी खत्री को दी भावभीनी विदाई। आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करेरा में पदस्थ डीआईजी सुरेंद्र खत्री का स्थानांतरण लेह लद्दाख हो जाने से आज नगर के साहित्यकारों पत्रकारों ने एक समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी। इस दौरान डीआईजी खत्री ने कहा कि अपने सर्विस काल के दौरान मध्य प्रदेश के करेरा एवं शिवपुरी के कार्यकाल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन दोनों स्थानों पर मुझे आईटीबीपी के साथ साथ समाज के लोगों के साथ साथ काम करने का मौका मिला है। इस दौरान उपस्थित श्रीमती अंजलि खत्री ने कहा कि करेरा में मैं साहित्यकारों से जुड़ी हूं, जिसके कारण मुझे हिंदी बोलना अच्छे से आ गया है। अभी तक मैं पंजाबी भाषा को ज्यादा बेहतर बोल पाती थी, इसलिए करेरा से मैं अपनी मातृभाषा हिंदी से जुड़ा होने के कारण इस स्थान को कभी नहीं बोल सकते। उल्लेखनीय है कि डीआईजी श्री खत्री करेरा में विगत 4 वर्षों से पदस्थ रहते हुए अनेक सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विद्यालयों पिछड़ी बस्तियों आदि में जाकर मेडिकल कैंप लगवाना, साफ सफाई करना, वृक्षारोपण करवाना, गरीब बच्चों को खेल व साहित्यिक गतिविधियों से जोड़ना, वस्त्र वितरण, जूते वितरण, स्टेशनरी वितरण आदि कार्यों के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा गए और एक नई प्रेरणा दे गए, जिससे लोग गरीब पिछड़े व जरूरतमंदों की समय समय पर मदद करते हैं। इस दौरान स्थानीय साहित्यकार प्रमोद भारती, घनश्याम योगी, सौरभ तिवारी ने कविताओं, गजलों, गीतों के माध्यम से डीआईजी खत्री को भावभीनी विदाई दी। स्थानीय पत्रकारों ने भी डीआईजी को स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी। डीआईजी सुरेंद्र खत्री एवं उनकी पत्नी साहित्यकार श्रीमती अंजलि खत्री ने स्थानीय पत्रकारों साहित्यकारों का आभार प्रदर्शन किया।